उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेके सिटी को ड्रॉ कर देते हैं। मोबाइल नंबर ऑल्सो, मोबाइल नंबर के लिए मैं यहां लिखता हूं, इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। अगर एक फॉर्म पे बहुत ज्यादा चीजें बनाना हो तो इस तरह से हम दो लाइन कर देते हैं। मोबाइल, माउस पे प्रॉब्लम हो गई, मतलब माउस पैड खराब, पैड नहीं है दिक्कत है या फिर और दिक्कत है। उसके बाद हम कॉम्बो बॉक्स, हम सिलेक्ट कोर्स लेते हैं, यहाँ पे हम कोर्स सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कोर्स थोड़ा सा बड़ा है हमारा तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट कोर्स, उसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है, कुछ ऑप्शंस ये है यहाँ पे कि चेक बॉक्स कि मेरे पास जो है आप जो है क्लासेस मंडे टू फ्राइडे, चेक बॉक्स मतलब कि कौन कौन सा, ये तो कोर्स आ गया, और यहाँ पे बारी आती है कि आप वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं या ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम दो चेकबॉक्स लेते हैं, इसमें हमारे पास आता है लाइव जूम क्लास, और फिर एक बार और एक चेक बॉक्स लेते हैं यहां पे, और यहां देते हैं हम सेशन वीडियो कोर्स। सर मोबाइल नंबर में जैसे अगर हम ये कर सकते हैं कि जैसे 10 डिजिट से अगर कम हो तो मतलब पॉपअप दे उसका एरर। हाँ सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दो चीजों चीजें हुई कि ये बंदा दोनों को क्लिक कर सकता है, अब मेरी लाइव क्लासेस भी ले सकता है और वीडियो कोर्स भी ले सकता है। अब बात आती है डेज, तो डेज में एक दिक्कत ये है कि आप या तो आप मंडे टू फ्राइडे ले सकते हैं या सैटरडे एंड संडे ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जब भी कॉम्बो बॉक्स यूज करें तो इस फ्रेम को जरूर यूज करें, चलिए जब भी आप रेडियो बटन यूज करें सॉरी तो फ्रेम यूज करें। तो यहां पे हमने फ्रेम लिया, हालांकि यहां पे आप जो है इसके लिए चेकबॉक्स के लिए भी ले सकते हैं, ले लिया, लेकिन पहले फ्रेम लेना याद रखिए, आप फ्रेम बाद में लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेम से क्या होता है कि कैटेगरी हो जाता है, क्या हो जाता है कैटेगरी। तो एक बार मैं फ्रेम को नीचे लेता हूं, यहां से यहां इसको कर देता हूं, इसको हमने फ्रेम लिया। तो चेकबॉक्स को फ्रेम में ना रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेडियो बटन को फ्रेम में ना रखेंगे तो फर्क पड़ता है। अब क्या फर्क पड़ता है चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब यहां पे अब यहां देख रहे हैं फ्रेम वन, तो मैं इस फ्रेम वन को क्लिक करके यहां पे आते हैं फ्रेम वन, फ्रेम वन की जगह पे हम ले लेते हैं मोड, ठीक है ना। इस तरह से कैटेगरी भी दिख जाता है ना फॉर्म पे, अच्छा लगता है। अब मान लीजिए मैं रेडियो बटन में लिया, यहां पे रेडियो बटन लेता हूं, तो मान लीजिए मुझे यहां पे मंडे टू फ्राइडे क्लास देना है, सैटरडे संडे डेज के लिए, मंडे टू फ्राइडे, और यहां पे हमने सैटरडे एंड संडे दे दिया। अब मान लीजिए कि मुझे यहां पे एक चीज और करनी है, क्या करनी है कि क्लास हिंदी मिलेंगे इंग्लिश मिलेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि जब यहां हम ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद यहां पे हम देंगे लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में जैसे हमने इंग्लिश किया तो यहां प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि अब ये तीनों जो है एक ग्रुप माना जाएगा, तीनों क्या करेंगे, तीनों एक ग्रुप माना जाएगा,
तो जैसे इसको हम प्ले करेंगे आप देखेंगे कि हम तीनों में से किसी एक को क्लिक कर सकते हैं, बट मुझे इन दोनों में से किसी एक को क्लिक करना था और फिर इसका ये यहाँ दोनों होगा, दोनों में से किसी एक को क्लिक करना था। इसलिए हम जब भी रेडी बटन यूज करें तो हम उसको फ्रेम में यूज करेंगे, ठीक है? किसमें यूज करेंगे? फ्रेम में। तो यहां पे आते हैं और फ्रेम को लेते हैं और फ्रेम यहां पे डालते हैं, और इस फ्रेम में हम यहाँ पे जो फ्रेम 2 है उसके जगह पे हम यहाँ पे कर देते हैं डेज, और फिर मंडे टू फ्राइडे को उठा के इसके ऊपर रखते हैं और सैटरडे संडे को उठा के हम इसके ऊपर रखते हैं इसके अंदर, ठीक है? और फिर यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं अपना एक और फ्रेम जो कि होगा डेज, इसका लैंग्वेज का, और लैंग्वेज के लिए हमने यहाँ पे इंग्लिश ले लिया, और यहाँ हमने एक और फ्रेम एक और डेली बटन लेते हैं और यहाँ पे हिंदी ले लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम लेते हैं लैंग्वेज, क्या जो भी लिखना है लिख दिया, शॉर्ट लिख दिया, ठीक है? तो आप जब इसको प्ले करेंगे तो आप देखेंगे इनमें से एक को एक सिलेक्ट हो रहा है और इनमें से कोई एक सिलेक्ट हो रहा है। ओके सर, हाँ क्लियर है? यस सर, यस क्लियर। सर, क्लियर। सिलेक्शन सिलेक्शन बेसिकली बेसिकली सेपरेट बेसिकली करता है सेपरेट और करता वो है और रिटेन करेगा रिटेन जो भी करेगा सिलेक्ट जो भी करेंगे सिलेक्ट हम करेगा। लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां पे एक चीज और आती है, जैसे कि ये तो टैब टैब होता है जो यूज नहीं होता, लेकिन हाँ ये पेज कलरिंग होता है। जैसे कि आप एक्सेल पे आते हैं और राइट क्लिक करके मान लीजिए हम फॉर्मेट सेल करते हैं, तो यहाँ देखते हैं कई सारे टैब होते हैं, दिख रहे हैं? दिख रहे हैं सर? हाँ सेम थिंग ये यहाँ पे पेज बना सकते हैं, जैसे कि मुझे इसमें कई सारे इनपुट लेने हैं, ठीक है ना? एक ही यूजर फॉर्म में कई सारे फॉर्म हो, समझे सर? तो यहाँ पे क्या है, पेज वन है, तो पेज वन का इसका नाम जो है हम कैप्शन नेम जो है यहाँ पे हम डाल देते हैं एक्सेल 2021, और फिर इस पे क्लिक करेंगे इसका पेज टू, तो इसका नाम डाल देते हैं एक्सेल 2029, ठीक है? अब मुझे इसमें ऐड करना है तो न्यू पेज पे राइट क्लिक कीजिए, न्यू पेज कीजिए, और यहाँ पे पेज थ्री, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 2016, ठीक है सर? अच्छा एक्सेल 2029 आ गया, मतलब टाइम ट्रेवल कर रहे हैं क्या? तो इस पे तो 16 आएगा ना, हाँ 16, और यहाँ पे क्या आएगा 2019, ठीक है? और इसमें हम कर देते हैं दो दो चेक बॉक्स, दो चेक नहीं रेडी बटन देते हैं, एक रेडी बटन यहाँ पे, यहाँ पे देते हैं ऑल, कि मुझे ऑल टॉपिक करना है, या फिर यहाँ पे एक और बेड बटन लगाते हैं जो कि कस्टमाइज करना है, कस्टमाइज, ठीक है? इसको कॉपी करते हैं, यहां पे आते हैं, पेस्ट कर दीजिए, इस पे आइए, इस पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है? क्लियर है? और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा तो ये तो अरेंज कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो टाइम पे डिपेंड करता है कि आप टाइम क्या लगा रहे हैं, ठीक है सर? यस। अब यहां पे बटन्स लेते हैं, कमांड बटन यहां डाल देते हैं, ठीक।
सेव। आप देखिए क्लिक कीजिएगा तो जैसे फॉर्म फिल करेंगे, यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे नंबर डालेंगे, यहाँ पे अपना लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो है इस इन दोनों से सेलेक्ट करेंगे, इसमें से दोनों सेलेक्ट होगा। और यहाँ देखिए ऑल टॉपिक सेलेक्ट करना, इसके अंदर भी ऑल टॉपिक है, इसके अंदर भी ऑल टॉपिक, ठीक है सर? ठीक है सर। अब इसकी कोडिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो कस्टमाइज करना है हमको कि भाई यहाँ पे इसके अंदर जो है ये नहीं होना चाहिए, क्या कोर्स कोर्स जो है नहीं होना चाहिए, कोर्स मैंने सेलेक्ट कोर्स होना चाहिए। तो इसके लिए हमने बताया था हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। और इनिशियलाइज में क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि विथ मी डॉट कॉम्बो बॉक्स वन डॉट एड आइटम, नहीं यहाँ एड आइटम नीचे लिखेंगे एड आइटम। और अपने कोर्स दे देंगे कि एक्सल, यहाँ पे एडवांस एक्सल, फिर डॉट एड आइटम, यहाँ पे एक्सेल डैशबोर्ड डॉट एड आइटम, वीवीए डॉट एड आइटम, इस तरह से यहाँ पे हम डालेंगे पावर बी आई, ऐसे आप कोर्स डाल दीजिएगा और यहाँ पे करेंगे एंड। अब इसको हम प्ले करते हैं, तो प्ले कर यहाँ पे एंड इफ नहीं होगा, एंड एंड ब्रेक विथ होगा, हैंड बैक। अब इसको यहां से स्टॉप करके अब इसको यहां प्ले करेंगे तो ये देखिए यहां पे हमारे पास आ गई कुछ। अब यहां पे मैं चाहता हूं कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट से ज्यादा कोई ना डाल पाए, तो यहां पे डबल क्लिक करना है और यहां पे करना है, सबसे पहले तो यहां लगाना है यहां पे कि ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ये जोड़ी है, ठीक है सर। फिर यहां पे देना है कि इफ मी डॉट लेन, अच्छा ये चेंज करते समय नहीं होगा, इसको मुझे आफ्टर अपडेट का करना है, क्या करना है आफ्टर अपडेट, क्योंकि चेंज करते समय तो हर नंबर भी दिखाएगा ना सर। तो यहां देखिए बिफोर ड्रैग बिफोर बिफोर अपडेट, यहां पे आपको दिखेगा आफ्टर अपडेट, ठीक है। आफ्टर अपडेट आफ्टर अपडेट में सबसे पहले यहां देंगे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, देना इफ लेन बट मी डॉट टेक्स बॉक्स 3 है ना, 2 तो हाँ 3 है राइट, डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 10 देन एम एस जी बॉक्स बॉक्स प्लीज एंटर 10 डिजिट नंबर, ठीक है। और मी डॉट टेक्स बॉक्स 3 डॉट गॉट फोकस, सेट फोकस था, सेट फोकस, सेट फोकस, ठीक है। यहाँ पे एंड इफ, अब यहां पे चलिए देखिए, तो जैसे ही मैं यहां से कुछ ना टाइप करके बाहर निकलूंगा, अच्छा आफ्टर अपडेट है ना 880, अब देखा प्लीज एंटर 10 डिजिट, और फिर यहां पे समझ गया सर, लेकिन फोकस क्यों नहीं हो रहा, फोकस यहाँ आ रहा है, इसे फोकस होना चाहिए ना, अच्छा फोकस एक बटन पे होता है, 1 मिनट, फोकस इक्वल टू ट्रूथ नहीं कर दिया हमने यहाँ पे,
एक मिनट, इसमें एरर तो नहीं आएगा, मुझे लगा एरर आएगा क्योंकि ए है इवेंट। हाँ एरर आया ना, ये ट्रू नहीं होगा। अच्छा मैं स्पेस देके ट्रू कर दूं तो नहीं, सेट फोकस ही होगा। इसमें क्या होना चाहिए, कर्सर जाने के लिए आई थिंक एडिट होता है, क्री डॉट नहीं। सर, वो लास्ट में ये करेगा नंबर पूरा डालने के बाद शायद। हाँ मतलब कि वो मैसेज देगा, उसके बाद वो आगे आगे जाएगा ही नहीं, वहां पे हम ये कर देंगे और बटन्स पे कर देंगे, बटन पे लगाएंगे कि हाँ जब तक ना डाले तब तक आगे नहीं बढ़े। यहाँ मैसेज देगा कि हाँ कि आपने गलत किया है, ठीक है ना। सेट फोकस से फोकस हो जाता है, पर पता नहीं क्या दिक्कत इसमें आ रहा, ठीक है ना। सेट फोकस क्या होता है, कर्सर उसमें चल जाता है, कर्सर हटता नहीं, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इस क्या करें, आगे बढ़ने से पहले इन सबों के नाम ले लें, जो चेकबॉक्स वन चेकबॉक्स टू इस सबों का कैप्शन हमें करवाना है, ठीक है। तो एक बार इसको डिजाइन करें आप लोग, और इसमें जो भी वैल्यूएशन लगा लगाएं, और डेटा इसके अंदर दी गई डेटा को अपने सीट पे ट्रांसफर करने की कोशिश करें। आप नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं कल इस पे आपको ट्रांसफर करके बताऊंगा, ठीक है सर। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है सर, भाई आप खुद डिजाइन कर ले। लास्ट टॉपिक है ये आपका यूजर फॉर्म का, इसके बाद हम जो है पिवट टेबल और आउटलुक ऑटोमेशन जैसे टॉपिक पे आगे बढ़े, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ओके, मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।